हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं वह डबल वैल्यू कप का यूज कहाँ पे और किस लिए किया जाता है। और सेकेंड हम लोग समझने वाले हैं इफ एरर के बारे में। तो पहले तो आपको पहले यह मैं बता दूं कि आप वैल्यू कप पहले पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आज हमको ये नहीं बताना है कि इसका यूज किस लिए प्रयोग किस लिए कहाँ पे करते हैं। बस हमें बताना है डबल वैल्यू कप क्यों लगाते हैं, ठीक है। और ई पेरर तो नया है, ये तो समझना जरूरी है। तो देखो, डबल वैल्यू कप का यूज वहां पे करेंगे जब मल्टीपल टेबल पे डाटा बना हो। जैसे पहले टेबल पे बना है पर्सन आईडी, पर्सन नेम और एज। इस दूसरे टेबल में देखो पर्सन नेम, एड्रेस, सैलरी। अब कई लोगों मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि अगर ये डाटा आप चाहते तो दो कॉलम में जो गैपिंग किए हो उसको पास में करके लिख लेते। लेकिन नहीं, ये सपोज ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है, बोले दो टेबल पे हम डाटा बनाए हैं। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, पर्सन आईडी इसमें है इसमें नहीं है, पर्सन नेम इसमें भी है और इसमें भी है, एज है एज नहीं है। मतलब दो टेबल बनाया, दोनों में से कोई एक मेन हेडिंग दूसरे टेबल में अगर कॉमन हो और पहले टेबल से दूसरे टेबल के डाटा को एक्सेस करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल वैल्यू कप। आप कहो सर यह कैसे, सपोज जब शुरू में लोग हमारे यहाँ आए थे तो मेरे पास ज्यादा रिकॉर्ड नहीं था, तीन ही रिकॉर्ड ही था उसका, कि आईडी क्या है, नेम क्या है और एज क्या है। तो हमने शुरुआत में पहले टेबल पे डाटा बना दिया, फिर से जब कुछ टाइम के बाद और डाटा मिला तो हमारा ओनर हमारा मालिक जहां पे काम करे करा, नहीं ये टेबल फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड था फर्स्ट में शुरुआत में कौन मिला था वो अलग होना चाहिए और उस पर्सन से रिलेटेड डाटा जो बाद में मिला था वो अलग होना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट हम जब चेक करें ना तो हम पहले टेबल से डाटा को हम एक्सेस कर ले दूसरे टेबल, पहले टेबल से डाटा को एक्सेस कर ले दूसरे टेबल को, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाओगे। तो सिंगल सिंगल यूज करना होता तो आराम से वैल्यू कप लग जाता, यहाँ पे भी निकाल ले जाते यहाँ पे भी निकाल ले जाते। सवाल यह कि पहले टेबल के डाटा से हमें पहला भी निकालना है और दूसरा भी निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में केवल वैल्यू कप से काम नहीं चलेगा, उसके लिए डबल वैल्यू कप लगाएंगे। हाँ, और एक कंफ्यूजन और भी दूर कर दो, ये टेबल कोई जरूरी नहीं कि उसी सीट पे बना होना चाहिए, आप वो टेबल दूसरे सीट पे भी बना सकते हो। मान लो पहले जो डाटा बनाया था पहले पे बना दिया था, और जो दूसरा डाटा मिला था दूसरे बना दिया था, और जो तीसरा डाटा मिला था वो तीसरे पे बना दिया था। मतलब जितना डाटा हम अलग अलग टेबल पर अगर बनाए हैं ना, तो देखो एक भी लुकअप लगाते हैं एक केवल उसे भी लुकअप बोलते हैं, लेकिन वही उसी फार्मूला में दो लगा देते हैं उसे बोलते हैं डबल भी लुकअप, तीन लगा देंगे तो ट्रिपल भी लुकअप। मतलब डबल वैल्यू कप का कोई फार्मूला नहीं है, मतलब एक ही सेल में जब दो बार वैल्यू कप का यूज करते हैं उसे ही बोलते हैं डबल वैल्यू कप। क्या बोलते हैं, डबल वैल्यू कप। लेकिन उसका यूज क्यों करेंगे जब दो टेबल के डाटा को एक ही टेबल से एक ही जगह से एक्सेस करना हो, तब ट्रिपल वैल्यू कप का इस्तेमाल कब करेंगे, जब तीन टेबल के डाटा को एक ही जगह से एक्सेस करना हो, तो ऐसे कंडीशन में डबल वैल्यू कप का यूज करते हैं। तो पहले डबल वैल्यू को पढ़ा दूंगा तब हम बताएंगे कि फेरर क्या होता है कैसे यूज करें। चलिए इसके लिए हम हेडिंग देते हैं, यहीं पे हम रिजल्ट देख लेंगे। सेलेक्ट टेस्ट
देखो, दो टेबल पे डाटा बनाया हूं, लेकिन दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, तब काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ये भी है कंडीशन। अब हम आते हैं सेलेक्ट कॉपी और लेके क्या करेंगे, पेस्ट। तो देखो, मैं केवल आईडी से पर्सन नेम एज इसको नहीं रख रहा, एड्रेस और सैलरी पता करना चाहते हैं, समझे ना। तो चलो, तो पर्सन नेम पता करना तो बहुत इजी है, इक्वल क्या लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आईडी सेलेक्ट कामा, टेबल है रे, पूरा टेबल ले लिया कामा, क्या देखना, नाम तो एक दो दूसरे पे है, टू कामा जीरो ब्रैकेट बंद, आ गया 101 का राकेश नाम है, चेंज करके देख लो, 101 जीरो संदीप है, सही आ रहा है। चलो ये तो बहुत इजी है, आप लोग पहले से कर लोगे। फिर से इक्वल ही लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी सेलेक्ट कामा, टेबल है रे, फिर से ही टेबल लेंगे कामा थ्री कामा जीरो ब्रैकेट बंद। यहां तक तो बहुत इजी है, क्योंकि इसी टेबल में है, हम इसी टेबल से निकाल लिए। लेकिन देखो, इस बार आईडी हमारा फर्स्ट वाले टेबल में है और डाटा हमको निकालना सेकेंड वाले से, क्या एड्रेस और सैलरी, तो इसके लिए डबल वी लुकअप लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊंगा समझो, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट आईडी काम, टेबल एरे, तो पहले टेबल को फिर से सेलेक्ट कर लें कामा। अब यह देखेंगे कि पहले टेबल में और दूसरे टेबल में कॉमन क्या नाम है, तो हमें नाम को निकालना है, तो पहले टेबल से हम नाम निकालेंगे तो कर देंगे टू कामा जीरो ब्रेकेट बंद, तो फिर से नाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो अब देखो, अब इस डाटा से नाम को मैच कराएंगे और नाम से मैच करा के इसे एड्रेस निकालेंगे, तो यह सिंगल से संभव नहीं है, इसके लिए फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहीं पे लगा देंगे एक और वैल्यू इसी के अंदर, फिर से लगाएंगे लुकअप वैल्यू। तो इस बार लुकअप वैल्यू में आईडी नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आईडी के हिसाब से नाम पहले से निकाल चुके हैं, जो निकला हुआ है ना उसी को लुकअप वैल्यू बना देंगे, क्या समझे, जो रिजल्ट हमारा निकला हुआ है उसी को हम लुकअप वैल्यू बना देंगे कामा, टेबल ले रहे तो फर्स्ट वाला नहीं सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाला सेलेक्ट कामा, क्या निकालना है, एड्रेस एक दो टू कामा जीरो ब्रैकेट वन इंटर। देखो, लिखेंगे आईडी 103, देखो नाम मैच कराया गया यहाँ पे, फिर से इस नाम को मैच कराएगा यहाँ पे, और फिर से इस नाम को मैच करा के आ जाएगा दरबार। आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लगाते हैं डबल वैल्यू। अब डाटा हम दो शीट पे बना लेंगे तो भी हो सकता है, एक पे रहेगा तो भी हो सकता है, चलो दूसरे शीट पे भी ला के दिखा दूंगा आपको, तो यह कंसेप्ट समझ आ रहा है, चलो देखते हैं समझ में आ गया होगा तो बता दूंगा, नहीं समझ आएगा तो नहीं बता पाऊंगा। चलो बताओ, इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू में चलो क्या करें, कौन सा टेबल फर्स्ट होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या बोले हैं, जो इसमें कॉमन होगा वह निकालेंगे, टू नाम कॉमन है ब्रैकेट बंद इंटर, नाम आ गया,
अब ज्ञानू को मैच कराना सैलरी से, तो डबल क्लिक फिर से भीलू का पहले लगाएंगे जो लगाए थे उससे पहले। अब पूछेगा लुकअप वैल्यू, इसी को लुकअप वैल्यू बना लेंगे काम टेबल एरे सेकेंड वाला टेबल गामा थ्री गामा जीरो। अब देखो अब बस यहां पे चेंज करेंगे सब चेंज होगा 107। आ रहा है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसका डाटा कई जगह होता है और हम सोचते हैं कि बार बार हम हर सीट पे देखते हैं डाटा खोजते हैं, कोई ऐसा लिंक लग जाता कि डाटा भले ही अलग अलग सीट पे लेकिन एक बार क्लिक करते हर जगह से डाटा लाके दिखा देते, ऐसे कंडीशन में डबल वी लुकअप का यूज करेंगे। लेकिन हाँ एक बात और, वह एक ही वर्क सीट में होना चाहिए, वर्क बुक में होना चाहिए, नहीं एक फाइल अलग है फिर से एक फाइल अलग, तब काम नहीं करेगा। हाँ उस वर्क बुक में चाहे भले ही 50 सीट हो उससे मतलब नहीं है, अब 50 सीट में भले ही 10वें सीट पे हो 15वें सीट पे हो किसी सीट पे हो काम करेगा, लेकिन दूसरा कोई फाइल लेगा तो काम नहीं करेगा, इतना समझना हो जाएगा। चलो यही डाटा मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और दूसरे सीट पे भी लाके दिखा देता हूं, तीसरे वाले पे आ जाते हैं पेस्ट। अब पहले से हम एक्सेस करना चाहते हैं यही पे नीचे लगा देते फॉर्मूला इक्वल भी लुकअप। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे बार बार नहीं करेंगे, लुकअप वैल्यू आईडी काम टेबल अरे फर्स्ट काम टू काम जीरो ब्रैकेट बंद, फिर से आप लगा देंगे भी लुकअप। वो आपको समझाने के लिए इतना कर रहे थे ना, हम डायरेक्टली कर देंगे पूरा एक बार काम टेबल एरे तीसरे वाले आ गया। बोलो अब क्या करेंगे यहां से काम थ्री टू निकालना ना टू कामा जीरो ब्रैकेट पर आ रहा है। चलो तो इसको नोट कर लो, इफ एरर या क्या होता है तो देखो जैसे हो रहा है क्या, हमने डाटा कितने लोगों का बनाया यहाँ पे 111, मतलब आईडी जो हमने दिया है मतलब 11 लोगों का डाटा बनाया है। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पे 112 कर रहे हैं तो ये डाटा नहीं आ रहा है, सब में लिख रहा नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, मतलब नॉट अप्लीकेबल मतलब ये जो आईडी आपने डाला है ना इससे रिलेटेड डाटा अप्लीकेबल नहीं है, कोई डाटा मैच नहीं कर रहा है और इसीलिए है जेने आगे। तो मैं सोच रहा हूं कि जैसे नहीं होता आप लोग कुछ सर्च करते हो तो डाटा नहीं रहा तो फिर मैसेज देता आपको कि डाटा नॉट फाउंड या नो रिकॉर्ड। बोलो तुम सोच रहे हो कुछ ऐसा एरर मेरे सामने भी आए तो एक्सेल में भी एरर दे सकते हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते इफ एरर, मतलब यदि कंडीशन हमारा सही ना हो तो एरर दिखाओ, क्या एरर दिखाओ हम बताएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला लगा है ना इसी में आना है और भी लुकअप जो है इसके पहले लगाना इफ एरर। वैल्यू तो ये जितना कंडीशन सब है हमारा तो कामा कर देंगे बस, और चलो ये वैल्यू सही ना हो तो डबल कामा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है अब जैसे लिखा हमने और ब्रेकेट बंद किया तो देखो इसमें एरर आ रहा है ऐसा, इसमें क्या रिकॉर्ड आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। बोलो तो मतलब क्या है कि जो एरर देना चाहते दे सकते। चलो यहां पे इफ एरर कुछ नहीं करना है कामा
लिख दो, अब डाटा नहीं है, जो लिख दो वही आएगा, एरर में जो बताना चाहते हो। ठीक है, मतलब जो एरर देंगे वही आएगा। तो ये सीख गए होगे आप लोग, बस हम अपना नाम लिख दें, हमारा नाम में आएगा जो नहीं आएगा, मतलब किसी का नाम है तो हमारा नाम आए। ठीक है, इंटर, समझे? लेकिन देखो यहाँ लिख देता हूँ 111 आ गया, आज जैसे लिखूंगा 115 हमारा नाम आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो आप दिखाना चाहते हो ना आए तो आ जाए लिख के, जय श्री राम। बस वही आएगा लास्ट, मतलब जो लिख दोगे वही आएगा, इसे बोलते हैं इफ एरर। क्लियर है? चलो।